समाजवादी पार्टी ने यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा ने सांसद अफजाल अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं गोंडा लोकसभा सीट से श्रेया वर्मा को सपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि मोहनलाल गंज लोकसभा सीट से आरके चौधरी को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। हरदोई लोकसभा सीट से उषा वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। मिश्रिख लोकसभा से रामपाल राजवंशी को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। शाहजहांपुर लोकसभा सीट से राजेश कश्यप को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। आंवला लोकसभा सीट से नीरज मौर्य को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से हरेंद्र मलिक को सपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बहराइच लोकसभा सीट से रमेश गौतम को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। चंदौली लोकसभा सीट से वीरेंद्र सिंह को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और 11 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। सपा ने पूर्वांचल की गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी को प्रत्याशी घोषित करके विरोधियों में हड़कंप मचा दिया है। वहीं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को सपा ने अपना प्रत्याशी बना दिया है।